अभी सब्सक्राइब कीजिए माई टेक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आप तक पहुंचा सकें लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ मैं कि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कवर सॉन्ग के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आता है, इसके रूल्स बताइए, और या फिर अगर आता भी है तो क्या ऐसा करें जो कि कॉपीराइट स्ट्राइक कवर सॉन्ग पे ना आए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक सिंगर हैं और अपने कुछ वीडियोज़ जो कि कवर सॉन्ग हैं उसे यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हैं और कॉपीराइट स्ट्राइक से बचना चाहते हैं या फिर इस सब के बारे में जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कॉपीराइट स्ट्राइक कई तरीके का होता है। जो हमारे कवर सॉन्ग पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है वो एक अलग तरीके का कॉपीराइट स्ट्राइक है, और जो हमारे चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आता है वो एक अलग तरीके का कॉपीराइट स्ट्राइक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके सॉन्ग पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो इसका मतलब आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि कॉपीराइट स्ट्राइक आता क्यों है। असल में होता यह है फ्रेंड्स कि जितने भी बड़े म्यूज़िक प्रोडक्शन हैं जो कि म्यूज़िक को प्रोड्यूस करते हैं, म्यूज़िक को बनाते हैं, तो ऐसे में होता क्या कि YouTube इनको एक कंटेंट आईडी देता है। तो ये कंटेंट आईडी होता क्या है कि जब भी हम किसी का भी सॉन्ग अपने सॉन्ग में यूज़ करते हैं, जैसे कि म्यूज़िक यूज़ कर लिया या फिर लिरिक्स यूज़ कर ली, तो ऐसे में होता ये है फ्रेंड्स कि YouTube का जो एल्गोरिथम है वो हमारे सॉन्ग को YouTube के जो भी वीडियो पहले से ही अपलोड है जिसकी कंटेंट आईडी, तो वो उसको मैच करता है। आपने देखा होगा फ्रेंड, जब भी हम कोई सॉन्ग या फिर कोई भी वीडियो को अपलोड करते हैं तो पहले तो वीडियो अपलोड हो जाता है, उसके बाद एक प्रोसेसिंग होती है। तो इस बीच में YouTube यही चेक करता है कि कहीं ये हमारे कंटेंट आईडी से मैच तो नहीं हो रहा है, तो यही सब उस प्रोसेसिंग में होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में होता क्या है कि जो हमारा म्यूज़िक है अगर किसी भी म्यूज़िक से मैच करता है जिसकी पहले से ही कंटेंट आईडी है YouTube पर, तो हमारे उस म्यूज़िक पे 100% कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे कवर सॉन्ग पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है तो हमारे चैनल पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है और इसका इफेक्ट जो है वो हमारे चैनल पे पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, अगर हमारे किसी भी सॉन्ग पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो वो केवल सीमित है उसी कवर सॉन्ग तक, इससे हमारे चैनल को कोई भी नुकसान नहीं होता है। काफ़ी दिनों से आप यही सोचते होंगे कि अगर हमारे म्यूज़िक पे या हमारे कवर सॉन्ग पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो इससे क्या होगा, हमारे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे सॉन्ग पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो वो एक अलग चीज़ है, इससे हमारे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगर कवर सॉन्ग पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता भी है तो इससे हमारे चैनल को कोई भी नुकसान नहीं होता है। आप चाहें तो उस सॉन्ग को ऐसे ही रहने दे सकते हैं और उसे चलने दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ कंडीशन में होता ये है कि हम किसी किसी सॉन्ग से रेवेन्यू नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर कंटेंट आईडी मैच होती है और हमारे पास आता है कॉपीराइट स्ट्राइक वो भी सॉन्ग पर, तो ऐसे में होता ये है कि वहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है रेवेन्यू शेयर का। इसमें होता ये है कि जो भी आपकी मोनेटाइजेशन का पैसा है अगर वो आप शेयर कर दें ओनर को जिसका कॉपीराइट है वो सॉन्ग, तो आप वीडियो आराम से अपनी अपलोड कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज आपको ऑनर को देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि अगर हमारे सॉन्ग पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो हम तुरंत उसे डिलीट कर दें, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन कुछ सॉन्ग ऐसे भी होते हैं जिसका ओनर जो भी है, जो भी कॉपीराइट ओनर है, वो ये परमिशन नहीं देता है कि आप इससे मोनेटाइजेशन कर सको और इससे कुछ भी पैसे कमा सको। लेकिन इस कंडीशन में भी फ्रेंड्स वो आपसे ये नहीं कहता कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ वीडियो अपने चैनल पे दिखा के कंफर्म करा देता हूँ कि अगर हमारे वीडियो सॉन्ग पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो हमारे चैनल पे कोई इफेक्ट होता है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने चैनल पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा चैनल ओपन हो चुका है, और यहाँ से चलते हैं इसके वीडियो मैनेजर में। तो वीडियो मैनेजर हमारा ओपन हो चुका है, इसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 जून में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, जो कि स्मूल से मैंने रिकॉर्डिंग की थी। तो इसमें क्या किया था, मैंने एक म्यूज़िक का थोड़ा सा पार्ट ले लिया था, एक सॉन्ग का थोड़ा सा म्यूज़िक ले लिया था, तो इसमें मेरा कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ आ रहा है, साथ ही मोनेटाइज भी है। तो इसका शेयरिंग रिवेन्यू मैंने कर दिया था। इसके अलावा अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि इस पर क्लेम किसने किया है। तो इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट पे क्लिक करते हैं, और इसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कुछ इसकी डिटेल देख देते हैं। यहाँ पर इसका सॉन्ग हमने यूज़ किया था 7:30 से 8:23 तक, और इसके साथ ही इसके जो क्लेम जिसने किया है वो ICECCS
वामी सीएस ने किया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मोनेटाइज बाई कॉपीराइट ओनर, तो इसको जो मोनेटाइज किया है वो कॉपीराइट ओनर ने किया है। साथ ही इसमें यहाँ एक आपको ऑप्शन मिलेगा शेयरिंग रिवेन्यू फ्रॉम एड्स, तो जो भी इसके एड से पैसा आएगा उसका शेयर जो है वो जाएगा ओनर के पास और इसका कुछ शेयरिंग हमें भी मिलेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो भी रिवेन्यू आएगा वो सभी मुझे मिल जाए, तो इसका रिवेन्यू मुझे भी मिलेगा और साथ ही इसका जो रिवेन्यू शेयर हो रहा है वो ऑनर को भी जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर कॉपीराइट ऑनर ने हमसे कुछ भी नहीं कहा और वो इस वीडियो को चलने दे रहा है। साथ ही अब मैं आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वीडियो में काफ़ी पहले अपलोड कर चुका हूँ जो कि 9 मार्च में किया था, तो इसमें भी यही था कि कॉपीराइट क्लेम इस पर भी आया था और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोनेटाइज नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो कॉपीराइट ओनर है उसने हमें परमिशन नहीं दी थी कि हम इसे मोनेटाइज कर सकें। तो ना तो इसमें हमें कुछ इसका रिव्यू नहीं मिल रहा है ना ही उस कॉपीराइटेड को, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कॉपीराइट तो इस पर आया है तो इससे ना तो मेरे चैनल को कोई नुकसान हुआ और ना ही मुझसे ये कहा गया कि इस वीडियो को हम डिलीट करें। तो चलिए मैं इसको अभी दिखा देता हूँ आपको कि इसमें कॉपीराइटेड है क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सॉन्ग का म्यूज़िक लिया था, कराओके सॉन्ग था मैं रहूँ या ना रहूँ, तो उसका मैंने म्यूज़िक लिया था जबकि इसमें आवाज़ जो है वो मेरी है। तो इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनेटाइज बाई क्लेमेंट, तो यहाँ पर फिलहाल ये मोनेटाइज नहीं हुआ है और वरना यहाँ पर शेयरिंग रिवेन्यू करके लिख के आ जाता। तो चाहूँ तो मैं यहाँ से इस सॉन्ग को रिमूव भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे यहाँ पर कुछ ऐसा कहा नहीं गया है कि मैं इस सॉन्ग को रिमूव करूँ या ना करूँ। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम कोई भी कवर सॉन्ग अपलोड करते हैं तो अगर हमारा उसमें कॉपीराइटेड म्यूज़िक है तो हमारे पास तुरंत ही एक मेल आ जाएगा जिसपे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ होगा उस मेल में। तो जब मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था तो उस समय एक मेल आया था मेरे पास, ये देख सकते हैं आप, हाय माई टेक सपोर्ट, अ कॉपीराइट ओनर यूजिंग कंटेंट आईडी हैज़ क्लेम्ड सम मटेरियल इन योर वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कॉपीराइट है उसका कंटेंट आईडी मैच हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर हमारी वीडियो को इन्होंने पकड़ लिया था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके नीचे एक और लाइन लिखी हुई है जिसमें लिखा है दिस इज़ जस्ट अ हेड अप, डोंट वरी, यू आर नॉट इन ट्रबल एंड योर अकाउंट स्टैंडिंग इज़ नॉट इफेक्टेड बाई दिस। तो इसका कोई भी इफेक्ट मेरे अकाउंट पर नहीं पड़ने वाला है, मैं चाहूँ तो इस वीडियो को रिमूव ना करूँगा। और आप देख सकते हैं मैंने इस वीडियो को कब से अपलोड किया हुआ, इस पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं व्हाट नेक्स्ट, तो इसमें लिखा है इफ़ देयर आर नो प्रॉब्लम, इसमें आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यू डोंट नीड टू टेक एनी एक्शन, हमें कोई भी इसमें एक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू डिलीट योर वीडियो, और हमें वीडियो डिलीट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम अगर किसी भी कवर सॉन्ग को अपलोड करते हैं और उस पर कॉपीराइट क्लेम आ भी जाता है तो भी हमें उस वीडियो को डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले यहाँ पे हमें एक फैसिलिटी ये मिल जाती है कि कॉपीराइट जो ओनर है वो हमें काफ़ी सारे सॉन्ग में 90% सॉन्ग में शेयर रिवेन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन 10% सॉन्ग ऐसे भी हैं जिसमें हमें रिवेन्यू शेयर का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो फिर वो इसी तरह से आप वीडियोज़ को चला सकते हैं, आप उससे कुछ कमाई नहीं कर सकते, फिलहाल आपका चैनल पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मैंने ये आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं जिस पर आप मोनेटाइजेशन नहीं कर सकते, कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं जिसको आप शेयर रिवेन्यू करके मोनेटाइज कर सकते हैं और उसका जो रिवेन्यू है वो कॉपीराइट को शेयर कर सकते हैं, बाकी आप अपना पैसा भी उससे कमा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं अब आपको दिखा दूं कि यहाँ पर मेरा चैनल पे कोई स्ट्राइक आया था या नहीं आया था। ये तो था कॉपीराइट क्लेम किया गया था हमारे वीडियो पर, अब देख सकते हैं हमारी चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आया है या नहीं, तो सेटिंग पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर व्यू एडिशनल फीचर्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपीराइट स्टेटस यू हैव 0 कॉपीराइट स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइंस में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है। तो यहाँ पर मेरे चैनल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप इस तरह से अगर कवर सॉन्ग अपना बनाना चाहते हैं, अगर आप एक सिंगर हैं और ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा हर किसी सॉन्ग से पैसे कमाने की, आप किसी भी सॉन्ग को अपलोड कर सकते हैं अपनी खुद की आवाज़ में, भले ही चाहे उसमें म्यूज़िक किसी भी कॉपीराइटेड का हो। काफ़ी सारे सॉन्ग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आप रिव्यू शेयर करके उससे मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, उससे कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे सॉन्ग ऐसे भी होंगे जिससे आप एक भी पैसे कमा नहीं सकते, तो इस तरह से आप कवर सॉन्ग से भी पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे चैनल हैं जो कि काफ़ी सारे सॉन्ग्स अपलोड करते हैं, तो उनका भी बस यही हाल है फ्रेंड्स, वो भी इसी तरह से अपने सॉन्ग को अपलोड करते हैं, उनके पास कोई भी स्पेशल ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे कि वो ही सारा रिवेन्यू कमाते हैं। उनके
साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है कि कुछ सॉन्ग आप देखना, कभी भी काफ़ी सारे सॉन्ग ऐसे होंगे जिस पे कभी भी एड्स नहीं आते होंगे, तो वो यही है कि कुछ सॉन्ग पे शेयर रिव्यू का ऑप्शन मिलता है, काफ़ी सारे सॉन्ग पे ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आप इस तरह से आप किसी भी सॉन्ग का अपना कवर सॉन्ग बना के अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा काफ़ी सारे कॉपीराइट रूल्स और भी हैं जो कि आप YouTube पर जाके देख सकते हैं। फिलहाल जितने मैंने बताए हैं कवर सॉन्ग से रिलेटेड जितना लगा वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप काफ़ी सारे और भी कॉपीराइट रूल्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपने चैनल को ओपन कीजिए, उसके नीचे यहाँ कॉपीराइट लिखा हुआ, तो आप कॉपीराइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जितने भी रूल्स हैं वो सब दिखा दिया जाएगा। आप यहाँ से आराम से बैठ के पढ़ लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ दिया हुआ है। अगर आपको ये इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो यहाँ से आप लैंग्वेज अपनी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी इंग्लिश है, आप हिंदी करना चाहें हिंदी कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, आप यहाँ से कोई भी लैंग्वेज में इस पेज को पढ़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में सब कुछ आ चुका है, तो हिंदी में तो आप फिर सभी कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सभी कुछ लिखा हुआ, आप सभी रूल्स को पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद अपने कवर सॉन्ग बनाना स्टार्ट कर दीजिए और अपलोड करना भी स्टार्ट कर दीजिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि जो भी आपके क्वेश्चन थे, क्वारी थी, जो भी आप कमेंट में मुझसे पूछते थे, तो उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गया होगा। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है और इस तरह की वीडियो हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।